बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मोहम्मद हुमायूं तारिक, फाउंडर ऑफ खुदी स्कूल ऑफ थॉट्स। आज हम इंशाल्लाह इंटरव्यू करेंगे रेहान अल्लाहवाला साहब का, और इंशाल्लाह वो अभी थोड़ी ही देर में ऑनलाइन होते हैं मेरे साथ, और फेसबुक ऑनलाइन पे उनके साथ डिस्कस होगी। जवाद भाई, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं? रेहान अल्लाहवाला साहब का इंशाल्लाह अभी हम ऑनलाइन लाइव इंटरव्यू करेंगे। रिजवान भाई, आपको वेलकम कहता हूँ। मलक एहसन शहबाज साहब, आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। बदर भाई, आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। शकील हाल साहब, आपका भी शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम रेहान भाई, वेलकम। जनाब रेहान भाई मेरे साथ ऑनलाइन हो गए हैं, अभी इंशाल्लाह उनके साथ डिस्कशन होगी। रेहान भाई, आप मुझे सुन रहे हैं? अभी तक आपकी तस्वीर नहीं आई। मियां फरीदुद्दीन मकसूद साहब, आपको भी मैं वेलकम कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रेहान भाई, आप मुझे सुन रहे हैं? जी मैं आपको सुन रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया, आपकी मसरूफियत काफी होती है, इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। जी नो प्रॉब्लम। सर, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आपसे डिस्कशन की जाए और आपके एक्सपीरियंस से फ़ायदा लिया जा सके, कि माशाल्लाह जिस तरह ये जो आपकी काविश है, जो आपने ये काविश की है, इसकी वजह से मुझे ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इसी तरह बहुत से पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो सोशल मीडिया यूज़ कर रही है, बहुत ज़्यादा लिंक्स रिलेशंस बढ़े हैं, तो ये सारा क्रेडिट आपको जाता है। आपके एंड से कुछ फ्रेंड्स, मैंने फ्रेंड्स बनाए जो मेरे फ्रेंड्स बने, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त रहा है। तो सर आपको सलूट करता हूँ। ये सर आपके जहन में आइडिया कैसे क्रिएट हुआ, कैसे डेवलप आपके जहन में आया कि ये चीज़ की जाए, लोगों को एक दूसरे से करीब लाया जाए,
इसके मतलब थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए आपको फायदा क्या हुआ? आपने क्या सर किया फायदा और ये उसका हुआ फायदा कि क्या हुआ? बहुत सी चीजें लोगों के मतलब मैंने जानी, और जो मेरी एबिलिटीज हैं, जो मेरा सर फर्स्ट ऑफ ऑल लो ये, क्योंकि मैं भाई प्रोफेशनली मार्केट और सेल्स और मार्केटिंग की जॉब करता हूँ, और मुझे बहुत से रेफरेंस मिले काम के हवाले से, मुझे मेरा जो जॉब है जो मैं कर रहा हूँ उस हवाले से मुझे रेफरेंस मिले अल्मोनियम की फील्ड में, लिंक्स मेरे डेवलप हुए और लोगों ने मुझे जाना और मैंने लोगों से बहुत कुछ सीखा। मैं जस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, एक दो एक्टिविटीज मैंने अटेंड की गुजरांवाला में ही। इसी तरह जो है कस्टमर्स वो मेरे मतलब जान सके कि आप क्या काम कर रहे हैं प्रोफेशनली, आपका क्या स्कोप ऑफ वर्क है, तो ये चीज़ें मुझे मीनवाइल बहुत ज़्यादा फायदे में आई। तो और ये तो फेसबुक का बेसिक डिफरेंट फंक्शन है ना। मैंने ऐसा क्या किया जो इससे आपको फायदा हुआ? मेरा क्या सर करना था? ये आपका ये है कि जो आपके फ्रेंड्स थे उनको मैंने फ्रेंड्स किए बनाया, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है स्पेशली पाकिस्तानी और जो बाहर के ममालिक में रहते हैं, तो उनसे मुझे अप्रोच मिली, मुझे एक और चीज़ मिली कि मैं लोगों के साथ टच अप्रोच कर सकता हूँ, रबता कर सकता हूँ। आप एक जरिया बने सर, आप जिन लोगों से इंटरव्यू करते थे एक जरिया बने। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, एक छोटी सी अकबर शाह साहब हैं, उनका आप इंटरव्यू कर रहे थे और उस वक्त मुझे आइडिया हुआ, मैंने उनके मतलब जाना, फिर मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया, मैंने भी उनसे बड़ा कुछ सीखा, फिर जो हमाद साफी साहब हैं उनके मतलब मुझे मैंने जाना, तो क्रेडिट गोज टू यू सर। अगर अच्छा, आप बिल्कुल। ये आप एक्टिविटी ना करते जबरदस्ती तो क्रेडिट दे रहे हैं, तो इस तरह का काम तो सारे लोग ही करते हैं, इंटरव्यूज भी करते हैं और चीजें भी करते हैं। मगर सर देखिए बिल्कुल ठीक है, ये चीज मुझे आपसे ही मिली, आपके जब मैंने आपकी पेज पे विजिट किया, मुझे मेरे अंदर खुद ये पैदा हुआ कि मैं खुद रिसर्च करूं, आपको फॉलो किया मैंने। देखिए आप और लोग भी करते होंगे मगर एक एग्जांपल तो आप मेरे लिए बने ना। ये चीज़ें पहले शुरू शुरू में मुझे खुद समझ नहीं आई कि क्या हो रहा है, मगर फिर जब मैंने ये वर्किंग इसे डीपली समझना शुरू किया और मैं समझता तो हूँ इट्स अमेजिंग थिंग रियली। आप ये नहीं कि मैं आपके मुंह पे आपकी तारीफ कर रहा। तो अब आप ये बताएं कि क्या वर्किंग थी, नंबर एक। क्या समझ में नहीं आया था, नंबर दो। अब क्या समझ में आया, नंबर जी तीन। जी और फायदा तो आप बता चुके हैं। ऐसा देखिए वर्किंग ये थी कि मैं लोगों के मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जानना, उनकी एबिलिटीज के मतलब मुझे ज़्यादा नॉलेज हुआ कि वो कैसे काम कर रहे हैं और मॉडर्न वर्ल्ड में लोगों की क्या ज़रूरियत है, सोशल मीडिया हमारी लाइफ में किस तरह इफ़ेक्ट है, किस तरह हम एक दूसरे के साथ रिलेशन डेवलप करके ईमानदारी से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी एबिलिटीज़ को निखार सकते हैं और लोगों के सामने डिस्कस कर सकते हैं, जो सबसे बड़ी चीज़ है, कि अपने अंदर को हम दुनिया में कैसे शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, जो सबसे बड़ी चीज़ समझ में आई कि ये मैं समझता हूँ कि एटम बम से भी बड़ी चीज़ है सोशल मीडिया। क्या आप इधर बैठे हैं? और सर इसका ये मुझे फ़ायदा हुआ, लोगों ने मेरी प्रोफाइल्स देखी, मैं प्रोफेशनली अल्मोनियम और ग्लास का काम करता हूँ, इस रेफरेंस से भी मुझे बिजनेस डेवलपमेंट से भी बड़ा फ़ायदा हुआ, लोगों ने कॉन्टेक्ट किया, जिन जो मेरे एरिया के लोग थे जो आउट ऑफ सिटी के थे उन्होंने सबने रब्ता किया और बिजनेस भी प्रमोट हुआ मेरा। अच्छा, चलेंगे। आप बताएं कि अल खुदी का जो आपने पेज बनाया है और जो आप काम कर रहे हैं खुदी को उठाने के लिए लोगों के अंदर, ये कब से कर रहे हैं आप? सर देखिए ये पेज तो मैंने 2017 में बनाया, अगस्त में पहली दफा। आइडिया तो बड़ी देर का था पहले कुछ करने के लिए, अब व्यूज थे मगर प्लेटफॉर्म नहीं था मिल रहा, समझ नहीं थी आ रही। फेसबुक मैं 5-6 साल पहले से यूज़ कर रहा हूँ मगर उस वक्त भी आइडिया जनरेट नहीं हुआ कि जब ये पेज कैसे बनते हैं, और जब जैसे एक्टिव हुआ सर बेसिकली इसका जो थीम है ये अलामा साहब की फ़िक्र को, अलामा इकबाल साहब की फ़िक्र को लेके, जितना देखिए मैं अभी खुद स्टूडेंट हूँ, मैं सीख रहा हूँ लोगों से, मेरी खुद ख्वाहिश है कि ये मेरे अंदर जो तलब है फ़िक्र है साहबे इलम लोगों में बैठ के मैं सीखूं, और जो मेरे व्यूज़ हैं
वो भी मैं शेयर कर सकूँ अलामा साहब की फिक्र को। और ये बेसिकली सर कॉन्सेप्ट ये है कि जो प्रेजेंटली हमारा माहौल है या हमारे जो क्राइसिस है सर्कमस्टेंसेस है मुल्क में या ओवरऑल देखें, तो मैं समझता हूँ कि बेसिकली एक ही किया है कि हमने अपनी खुदी को बेच दिया हुआ है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आ रही है। मैं किसी लीडर को किसी को ब्लेम नहीं देता, बेसिकली अपने आप को ही ब्लेम देता हूँ कि जब हम ये अलामा साहब की फिक्र को समझ लेंगे, तो जब नज़रिया खुद ही को समझ लेंगे। मैं मुझे एक शेर अलामा साहब का याद आ गया, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। हमने खुद ही बेच के दुनिया जहाँ की सहूलतें खरीद ली हैं कि जो किसी काम की नहीं है, जब इज्जत नफ्स ही नहीं है, जब हमारी इज्जत ही नहीं है, तो हमने वो प्रोटोकॉल्स को क्या करना है। अच्छा, तो आप अपने अल्फाज में खुद ही को समझाइए कि ये क्या होती है। मैं अपने अल्फाज को, जी सर बिल्कुल, ये है कि देखिए इंसान को मैं सिंपली शॉर्ट सिंपली आसान अल्फाज में ये कहता हूँ कि जो अल्लाह ताला ने इंसान को एबिलिटीज दी है, ईमानदारी दी है, उनको अपने किसी चीज के साथ कंप्रोमाइज ना करना। इंसान जो पैरामीटर्स हैं, वो अलामा साहब का एक शेर याद आ गया ना कि वो एक सजदा जिसे तू ग्रां समझता है, 1,000 सजदों से देता है आदमी को निजात। कि जो हम अगर किसी भी चीज से कंप्रोमाइज करेंगे, ये है कि जस्ट एग्जांपल देते हैं, आज जो क्राइसिस है सर्कमस्टेंसेस है यही है ना कि कोई विजन नहीं है। हर बंदे ने दूसरे बंदे के लगा कि हमें जाती फायदे इन सियासतदानों से या इन लोगों से है, इनकी सपोर्ट करते, चाहे वो करप्ट है जो भी है। अगर जब हम मेरिट पे आ जाएंगे, अपनी डिग्निटी को कंप्रोमाइज नहीं करेंगे चीजों के साथ। मैं जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ सर, मैं बड़ा मुतासर हूँ, बर्तानिया में जो वजीर आजम ने इस्तीफा दिया, उनके ऊपर सिर्फ इल्जाम लगा, उन्होंने इल्जाम के ऊपर दे दिया, इससे मुराद है कि वो लेवल लेवल डिग्निटी का, कि ठीक है जी केस बाद में चले हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बात यही है कि वो लोग अपने विजन में अपने अपने मकसद में कितने। आप बर्तानिया की एग्जाम्पल लें कि जो जिसने अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक हुक्मरानी की, और तादाद कितनी है, कितनी कम तादाद में एक कौम बने। जब हमारे अंदर जो ये चीजें हमें मिल जाएंगी तो हम हासिल करेंगे, तो हर चीज हम अचीव कर सकते हैं। सही है। तो मैं कुछ कहूँ? जी सर बिल्कुल बिल्कुल जरूर के। अच्छा, देखिए, मैंने अल्लामा इकबाल को बहुत गहराई से नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने दुनिया को बहुत गहराई से पढ़ा है। दुनिया में ट्रैवल किया है, बहुत मिस्टेक्स की हैं, और मैं यकीन करता हूँ कि अगर कोई अच्छा उस्ताद हो तो वो हमको जल्दी आगे ले जाता है। हमें अपनी गलतियाँ नहीं करनी होती, बिल्कुल लेकिन अगर हम वो गलतियाँ जो हम करते हैं उससे हम वहीं पहुंचते हैं जहां हमारा उस्ताद हमें लेके जाना चाहता है। खुद ही ये होती है मेरे नज़दीक जो हमारी कौम का मसला है, वो जिसको आप खुद ही कह रहे हैं, उसको इलाम इकबाल ने ये लफ्ज़ को खुद ही को इस्तेमाल किया। बेसिकली हमने अपने आप को पहचाना नहीं, हम यानी आप, मैं, दूसरे लोग, हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, बेचारा समझते हैं। हम ये समझते हैं कि जब तक हमारे लिए कोई बाहर से हमारा मसीहा नहीं आएगा, हम कुछ कर नहीं सकते। हम अपने खुदा को नहीं पहचानते हैं और अपने आप को नहीं पहचानते। तो जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानते, अपने आप को पहचान, तो हम कुछ कर नहीं सकते। अपने आप से पहचानने का क्या मतलब है? अपने आप को पहचानने का मतलब ये है कि बिल्कुल आपकी सलाहियतें क्या हैं, आपकी एबिलिटीज क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते हैं, इसका हमको पता ही नहीं है। और जो चीज़ बेसिकली हमारे अंदर, जो हमारा दुश्मन नंबर एक है, वो हमारा खौफ है, और उस खौफ के होने की वजह से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, करेज नहीं है। आप ये हेडफोन यूज़ कर रहे हैं, अगर इसमें म्यूट का बटन है तो वो दबा दें, नहीं तो हेडफोन निकाल दें, क्योंकि बहुत शोर आ रहा है इससे। जी, आप कैसे हैं?
अगर उसमें म्यूट है तो दबा दें, मैं जब बोलना बंद कर दूंगा तो आप फिर खोल दीजिएगा। अभी कुछ बेहतर है जी, इसमें म्यूट का बटन है, चुप कराने का बटन है। जी जी मैं बटन तो है मगर मेरे ये मैंने मगर मेरा ख्याल नहीं हुआ मेरे से सही, वो वॉइस इंक्रीज का बटन है म्यूट का नहीं है। चलें सही है। तो आप जब मैं बोलना शुरू करता हूँ ना तो वो एको आता है, शोर आता है वापस मेरे, तो मुझे फिर घबराहट होती है कि आवाज़ समझ में नहीं आती, तो इसलिए मैं कह रहा था या तो उसको निकाल ही दें, तो हो सकता है कि फिर क्योंकि आपका पंखा चल रहा है शायद बैकग्राउंड में, हो सकता है इस वजह से वो आवाज़ आ रही हो। बिल्कुल बिल्कुल यही पता है, मैं बंद करता हूँ। जी, तो आज मैं सोच रहा था कि हमारे दुनिया में 7 अरब लोग हैं और उन 7 अरब लोगों के अंदर से हिम्मत रखने वाले कितने कम लोग हैं, 1.5 बिलियन मुसलमान हैं, हिम्मत रखने वाले कितने कम लोग हैं, 200 मिलियन पाकिस्तानी हैं, हिम्मत रखने वाले कितने हैं। मैं तो एक भी आदमी को नहीं जानता जो कि मेहनत करता हो और सामने आके बोलता हो कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनना चाहता हूँ, मैं MNA बनना चाहता हूँ, मैं वजीर आला बनना चाहता हूँ। तो जब उस बेचारे में इतनी तप्पड़ ही नहीं है कि वो मुंह से ये बात बोल सके कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो लोग उसकी क्या मदद करेंगे। तो हम अपने आप को इतना ज़्यादा घटिया समझते हैं, अपनी कौम को, मैं हमारे अंदर जो अपनी हमने अपने आप को इतना कमज़ोर समझते हैं कि हम कुछ नहीं हैं, और उसी वजह से हम कमज़ोर हैं कि हम अपने आप को समझते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हम अपने आप को समझते हैं कि हम फिटकारे हुए हैं, हम अपने आप को समझते हैं कि हम झूठे हैं। तो इस वजह से हम झूठे हैं, इस वजह से हम बेकार हैं कि हम अपने आप को ये समझते हैं। जनरली आज मैं अगेन सोच रहा था कि सीरिया के लिए कौन एक आदमी का नाम अगर कोई मुझे दे कि ये आदमी है, कोई भी सीरिया का प्रॉब्लम है तो मैं उसको ट्वीट कर सकता हूँ, वो मुझे सीरिया के प्रॉब्लम को समझा देगा, एक भी आदमी नहीं मिला। कश्मीर का सोच रहा था कि एक आदमी का नाम सोचूं कि कौन है जो कश्मीर के बारे में सुबह से शाम तक गाने गाता हो, 8 घंटे उसकी जॉब हो कि वो कश्मीर को समझाए और समझे, मैं नहीं जानता। मैं ये सोच रहा था कि कौन एक आदमी है पाकिस्तान में जो पानी के मसले के लिए सुबह से शाम तक रोता हो, सिखाता हो और सीखता हो, मुझे नहीं मिला। मैं सोच रहा था कि बिजली का कौन आदमी है जो हल करना चाहता है, एक आदमी हो कहता हो कि मैं सुबह से शाम तक मैं बिजली का मसला हल करना चाहता हूँ, मुझे नहीं मिला। तो मैं जिस मसले को नजर आता है कि उस मसले को कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के इंतजार में बैठे हैं कि इंशाल्लाह 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 करते रहते हैं। अल्लाह तो कोई पौधा नहीं निकालता जब तक हम बीज नहीं लगाते, अल्लाह तो कोई दरख्त नहीं उगा सकता, अल्लाह ने आपको ताकत दी है कि आप बीज लगाएं, आप उगाएं। तो जब तक हम अपने हाथ से कुछ करने को तैयार नहीं होंगे, कोई अल्लाह हमारी मदद नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह का एक सुन्नत है, अल्लाह का एक तरीका है और उस तरीके को फॉलो करता है। उसका तरीका यही है कि बीज लगाओ, पानी दो, मेहनत करो और बेहतरीन दुनिया की स्किल की हासिल करो, बेहतरीन, और फिर अल्लाह पे यकीन रखो, ना बुझाओ। ये आपका शोर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल रेहान भाई, मैंने तो पंखा भी बंद कर दिया है, बिल्कुल आप बजाव फरमा रहे हैं। मगर एक और बात है, इधर अलामा साहब की एक शेर मुझे शेर याद आ गया, कहते हैं ना हिर्द को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। बात यही है, मैं आपसे बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूँ कि जब हमने अपना जो शऊर है उसे ही गुलाम बनाया, अपनी सोचने के तरीकों को ही गुलाम बनाया, तो यही चीजें होंगी। बिल्कुल 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 आपने अपने एक्सपीरियंस से 100% इसी तरह का है, तो यही आपकी एफर्ट्स हैं सर जो आप लोगों में करेज पैदा कर रहे हैं, उन्हें रास्ता दे रहे हैं, और यही फिक्र अलामा साहब की है। अगर हम उन्हें ही पढ़ लें, उनका ही फलसफा पढ़ लें और उन्हें ही लोगों के अंदर किया जाए तो 100% चेंज आएगी इंशाल्लाह। कुरान शरीफ को पढ़ने से असर नहीं होता, कुरान शरीफ के ऊपर अमल, ये एक अकवाले जरिए मैं उनका कोट करता हूँ, फरमाते हैं ना कतरा समुंदर में मिल। जी जी, अल्लामा इकबाल को पढ़ने से असर नहीं होगा, अल्लामा इकबाल को करने से असर होगा। जितने भी असातिज़ा हैं आप उनकी किताबों को चाट लें,
साइंस आप आइंस नहीं निकलेगा। तो मैं आपकी रिस्पेक्ट, आपको मैंने ऐड भी इसीलिए किया था और आपसे बात भी इसीलिए कर रहा हूँ कि आपने एक छोटा सा मेहनत करने की कोशिश करी, आपने एक पेज बनाया और आपने इस काम को करना शुरू किया। अब मेरे लिए, मेरे पास आपके लिए सजेशन है कि आप उस पेज की जान छोड़ दें और आप अपने आप को ऐसा बना दें कि लोग आपकी तरफ खुद ही भाग कर आएं, आप अपनी खुद ही को उठाएं, आप अपने आप को अपने ही प्रोफाइल से जाके इस काम को करें, उस पेज की जान छोड़ दें और इधर से आके आप रीचेबल बन जाएं, आप एक ऐसे आदमी बन जाएं जो इसका नाम ही आखिर में लिखा हो, अल खुदी या खुदी, ताकि लोग जब खुद ही लिखें गूगल पे फेसबुक पे तो सबसे पहले आपका नाम आए कि जी ये आदमी है जो कि खुद ही को प्रचार करता है, खुद ही के बारे में सीखता है, खुद ही के बारे में सिखाता है। तो जिस मसले की आप जान छोड़ा, आप जान लेना चाहते हैं, यानी आप उस मसले को सफाती से मिटाना चाहते हैं, मसला क्या होता है? मसला उस चीज को कहते हैं जिसका हमारे पास हल ना हो। जिस चीज का हल मौजूद हो उसको मसला नहीं कहते, उसके लिए फिर मेहनत करनी होती है। दरख्त लगाना मसला नहीं है, दरख्त लगाना मेहनत का काम है। कपास लगाना मसला नहीं है, कपास लगाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो खुदी को आप अगर समझाना शुरू कर दें, रोज 1 घंटा समझाएं और 1 घंटा समझें, 2 घंटे रोज के दे दें, तो ये खुदी पाकिस्तान के अंदर फैलना शुरू हो जाएगी, फैलना शुरू हो जाएगी। एक आदमी को अभी तक तो खुद ही को समझने में, जितने भी अल्लामा इकबाल के जो पढ़ने वाले हो गए, तो खुद ही समझने के लिए तो हमें 10 साल चाहिए। तो आदमी कहेगा यार मेरे पास टाइम नहीं है 10 साल समझाने के लिए, आप जाएं छुट्टी करें। आप उसको आसान बना दें, जिस चीज़ को आसान बना देंगे उस चीज़ वो फैलना शुरू हो जाएगी। मैकडोनल्ड के सर पे कोई सींग नहीं है, मैकडोनल्ड एक आसान बन कबाब बेचता है कि आप जाते हैं वहां से आसानी से बन कबाब खरीदते हैं और खा लेते हैं, आपको साफ सुथरी अच्छी चीज़ मिल जाती है। तो इसी तरीके से जिस चीज़ के अंदर आप आसानी पैदा कर देंगे, आप अपने एलुमिनियम के बिजनेस को आसान कर दें कि लोग एलुमिनियम के खिड़की आराम से खरीद सकें, तो आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। आप खुद ही के बिजनेस को आसान कर दें कि कोई यूट्यूब पे जाके लिखे तो आसान अल्फाज में जाके आपने बुंदे बच्चे को, 9 साल के बच्चे को भी समझ में आ जाए आपकी बात, तो ये आपका कारनामा होगा कि ये फैलना खुद ही शुरू हो जाएगा। और एक एक दिन में नहीं फैलेगा, 5 साल में फैल जाएगा, 10 साल में फैल जाएगा, लेकिन 70 साल में अल्लामा इकबाल की बात नहीं फैल सकी क्योंकि सब ने उनको पकड़ के बैठे में, ओहो अल्लामा इकबाल तो समझना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। यार अल्लाह का बंदा था, उसमें ऐसी क्या मुश्किल बात है, आप उसको मुश्किल खुद ही बोल देते हैं। कुरान शरीफ को समझना बहुत मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है, तो आपने खुद ही मुश्किल बना दिया। मुँह से जो बोलेंगे वो हो जाएगा। तो मुश्किल आसान, मुश्किल को आसान बनाएं, दीन में जिस तरह होता है दीन में आसानी पैदा करें, इसी तरह दुनिया में भी आसानी पैदा करें। बेशक बिल्कुल आपने सही कहा है, जबरदस्त। और सर इसी चीज पे लगा हुआ एफर्ट्स पे, इन्हीं चीजों के प्रैक्टिकली भी जात में भी वही चीज नजर आए और अल्फाज में भी और किरदार में वही चीजें नजर आए। तो आप अल्लामा इकबाल को घोल के पी लें और लोगों को इस तरह से समझाएं कि लोगों को फौरन समझ में आ जाए, दैट्स ऑल यू शुड डू, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और गर्मी ज्यादा हो गई या पंखा खोल लें, क्योंकि शोर का ताल्लुक उस पंखे से नहीं था, कुछ और मसला है। बिल्कुल शायद हेडफोन में ही मसला, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट चेंज कर लूंगा, हेडफोन में मुझे मसला लग रहा है। आपको और कोई सवाल है तो बोलिए, नहीं तो मुझे इजाजत दीजिए। सर मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे करूंगा, ये मुझे बताएं कि आपने माशाल्लाह दुनिया में एक्सपीरियंस लिया उधर का और इधर में, आपको सिंपली जो बहुत डिफरेंस है उनकी तरक्की में और हमारे, हाँ जो तरक्की नहीं हुई है। हाँ उधर सर एक चीज बता दें कि उधर लोग मुतहिद है अपने नेशनल इंटरेस्ट में और हम अभी तक क्यों नहीं है? देखिए ये आपका ख्याल है कि उधर ये ऐसा है और इधर ऐसा है, जब आप कभी खुद गए हैं, खुद जाके ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारी दुनिया एक जैसी है। हम कांटा हैं और अपने आप को फूल बनाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा, हम कांटा ही रहेंगे। हमें कांटा के अंदर क्या है, कतरे के अंदर ही हमें जबरदस्त बनना है। तो अगर हम कांटा हैं तो ऐसा कांटा बने कि हमको लोग दिखाएं कि ये देखो ऐसा होता है कांटा। आप जो कुछ है ना, अगर आप एल्युमिनियम की खिड़कियां बेचते हैं तो ऐसी एल्युमिनियम की खिड़की बेचने वाले बन जाएं कि कोई बाप माई का लाल 7 बिलियन में एक ही हो, ऐसा अपने आप के अंदर ऐसे बन जाएं कि
हर आप लोग घूमते हुए आए कि ये अल्मोनियम बेचना है तो मैं इसके पास जाऊंगा, फुटबॉल लेनी है तो मैं इस दुकान के ऊपर जाऊंगा, बैट खरीदना है तो उस दुकान पे जाऊंगा, वो एक दिन में नहीं होगा। चाय पीनी है तो मैंने इस दुकान पे जाके पीनी है। लोग चिड़े खाने जाते हैं, नहीं जाते गुजरांवाला, क्यों जाते हैं उसके चिड़े वाले की जाते दुकान पे? इसलिए कि उसके चिड़े ऐसे होते हैं कि लोग वाह वाह करते हैं। आप चाय बेचें लेकिन ऐसी चाय बेचें कि लोग 1,000 किलोमीटर का सफर करके आपकी दुकान पे चाय बेचने आए। आप मुतासर होना अपने आप बंद कर दें कि अंग्रेजी अच्छा है या फलाना अच्छा है या ढमकाना अच्छा है। आप अपने आप को अच्छा बनाने के लिए मेहनत करें। आप ये कहें कि जी मैं ये काम करता हूँ, मैं इसको और अच्छा कैसे कर सकता हूँ, वो आपका सवाल मैं समझता हूँ। ये आप पूरी कौम को नहीं कर सकते। पूरी कौम में कभी भी ऐसा नहीं होता कि पूरी कौम एक जैसी हो। अगर 200 मिलियन लोग हैं तो 200 मिलियन दिमाग होंगे, 200 मिलियन लोग तरह के लोग होंगे। ये ऐसा नहीं होता कि एक जैसे सारे लोग होते हैं, कभी भी नहीं होता, किसी भी मुल्क में नहीं होता। हर जगह बेवकूफ़ भी बैठे हुए हैं, अकलमंद भी बैठे हुए हैं। जिसको हम बेवकूफ़ समझते हैं वो हमको बेवकूफ़ समझता है। ऐसा नहीं है कि वो अच्छे हैं और हम खराब हैं, कोई अच्छा और कोई खराब नहीं होता। आप अपने अंदर की कायनात को, आप अपने अंदर को एक यूनिवर्स को जगाएं और उसको ऊपर काम करें और ये सोचें कि आज मेरी जो मैं आज वाला हूँ, आज से 1 साल के बाद 365 गुना अच्छा इंसान हूँ, 365 गुना अच्छा काम कर सकता हूँ। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। फॉरगेट एवरीबडी एल्स। वो जमाना गया कि वो अच्छे थे और हम खराब हैं। पाकिस्तान के अंदर के जो लोग हैं वो बहुत सारी कौमों से बहुत बेहतर हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज कम है। हमारे पास अब आज के दौर में, हमारे दौर पास, पाकिस्तान के पास यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है। मसला क्या है कि हमारा एक्सपोजर कम है। आपका एक्सपोजर कम होने की वजह से आपको चीज, आप अपने आप को हम खराब समझते हैं। मैं भी समझता था कि जी मेरे अंदर, मैं तो वैसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरा मुल्क ऐसा है, फलाना है। कुछ चीज़ें तो होती हैं, मिसाल के तौर पे मेरा पासपोर्ट है। अब एक पाकिस्तानी ने अगर टेररिस्ट का काम कर दिया तो मेरा पाकिस्तान, मेरे पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लग जाएगी कि अब इस मुल्क के पासपोर्ट को अच्छा खराब नहीं देना है। लेकिन अगर मेरे ही मुल्क से 5 आइंस्टाइन पैदा हो जाते हैं तो फिर सब कहेंगे भाई यहाँ से तो आइंस्टाइन पैदा होते हैं, इनके मुल्क के लोगों को आने दो, अच्छे लोग होते हैं। तो ये वो चीज़ें होती हैं कि आप उसको बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? आप बदलें, आप बने वो आइंस्टाइन, आप बने वो अल्लामा इकबाल, आप बने वो साइंसदान, वो तब्दीली करने वाला, वैसा आदमी आप बन जाए। लेकिन बिल्कुल आप जी, अपने लिए बने, जो कुछ करते हैं वो अपने लिए करें, छोड़ दें दूसरों को, जन्नत में डालें। आप कितने कितनों को मालूम है कि बिजली कितने किसने इजाद की थी? कितनों को मालूम है कि टीवी किसने इजाद किया था? कितनों को मालूम है मोबाइल फोन किसने इजाद किया था? किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इतने बड़े बड़े काम करके चले गए, वो अपने लिए उन्होंने काम किया। आप अपना काम करें, आप अपने सियालकोट के लिए काम करें, आप अपने इलाके के लिए काम करें, आप अपने घर वालों के लिए काम करें, आप अपने आप को ऐसा यूनिक इंसान बना दें। अब हम आजकल के दौर में ना पाकिस्तानी रहे हैं, ना अमेरिकन रहे हैं, ना इंग्लैंड के रहे हैं, हम फेसबुक के सिटीजन हैं। सब हमको बराबर में देखते हैं। आप जितनी आप अंग्रेजी बोलेंगे तो अंग्रेज आपकी बात सुन लेगा, आप उर्दू बोलेंगे तो उर्दू बोलने वाला सीखेगा। तो आप जिससे बात कर रहे हैं उसी उसी तरह से बात करेंगे। आप अंग्रेजी में, अंग्रेज लेन आपकी बात सुन रही है उससे अंग्रेजी में बात करें, आप हम अंग्रेज को इम्पैक्ट कर सकते हैं। वो हमसे एडवाइस लेने आती है, वो हमारी बातों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करवाती है। क्यों भाई, हम को आसमान से उतरी हुई मखलूक हैं। हम अगर अच्छी बात बोलेंगे वो हमारी बात सुनेगी, वो अच्छी बात सुन दी बोलेगी तो हम उसकी बात सुनेंगे। उसको लगता है कि अच्छी बात हो रही होगी तो वो आगे सुनने के लिए बैठी हुई है कि जी यहाँ पे रेहान बोल रहा है, आप बोल रहे हैं, अच्छी कोई बात होगी। तो आप छोड़ दें दूसरों की जान और बस, अगर आपने खुद ही पैदा करनी है पाकिस्तानियों के अंदर, और अल्लामा इकबाल से आपको इतनी मोहब्बत है, पीछे फोटो भी लगाई हुई है, तो आप इकबाल को समझाना शुरू कर दें, इकबाल की शायरी को। आम बच्चे, ऐसा बच्चा है जो 9 साल का हो, जो कभी स्कूल ना गया हो, पाकिस्तान की मेजोरिटी स्कूल नहीं गई है, आपके घर के जी चौकीदार को अगर आपने इकबाल से पढ़ा सकते हैं तो उसको पढ़ा दें। क्योंकि आप उसके लिए आसान अल्फाज यूज करेंगे, आसान एग्जाम्पल इस्तेमाल करेंगे, आप मुश्किल मुश्किल अल्फाज नहीं यूज करेंगे। हमारे लोगों को आसानी पैदा करें, जो भी चीज़ सिखाना चाहते हैं आसानी में सिखाएं। अपने विंडोज के बारे में, अपने अलमोनियम के बारे में, आप जरा यूट्यूब पे जाके लिखें अलमोनियम कैसे बनता है उर्दू, एक भी वीडियो नहीं निकलेगी। जी तो क्यों नहीं निकलती है?
तो आप अगर किसी को अल्मोनियम की कहानी, आपको मालूम है ये बात कि अल्मोनियम प्लैटिनम और गोल्ड से ज्यादा महंगा होता था आज से 200 साल पहले, ये बात मालूम थी आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं थी मालूम। आज से 200 साल पहले थाईलैंड या बर्मा या किसी बड़े मुल्क का आदमी इटली के एक बहुत ही बड़े बादशाह के पास खाना खाने गया, तो सारे लोगों की जो जी प्लेटें थीं वो चांदी और सोने की थीं, और उस मेहमान के लिए एल्युमिनियम की प्लेट इस्तेमाल की गई, क्योंकि एल्युमिनियम से ज्यादा महंगी धातु कोई नहीं होती थी। और आज हमारा भंगी भी कैन में जो है वो एल्युमिनियम की जो पीरा होता है। तो ये होती है टेक्नोलॉजी, इतनी सी टेक्नोलॉजी चेंज हुई, एल्युमिनियम को निकालने का तरीका ज्यादा आसान हुआ, एल्युमिनियम कॉमन हो गया। तो ये वो चीज होती है जो कि चीजों को बदल देती है, वक्त बदल जाता है। बिल्कुल सही, बहुत जबरदस्त रियान भाई, ये आज मेरे इलम में भी बड़ा दफा हुआ। हालांकि जो प्रोडक्ट मैं जिस पे काम कर रहा हूँ उसकी हिस्ट्री का भी नहीं मुझे पता, जो आपने बता दिया है तो जिस चीज की ये गहराई भी में उतर चीज। जाएंगे वहां उसको आप कॉन्कर कर लेंगे। आपका नाम या तो अल्मोनियम वाला होना चाहिए कल से, या अल्लामा इकबाल वाला होना चाहिए कल से, जाके हम जब भी याद करें तो आपका नाम से याद करें, यार वो एल्युमिनियम वाला भाई है ना, उसी से एल्युमिनियम खरीदना है, वो बड़ा अच्छा आदमी है। कहानी खत्म हो गई। जो एल्युमिनियम पूरे पाकिस्तान को पढ़ाएगा एल्युमिनियम के बारे में, लोग उसी से एल्युमिनियम खरीदेंगे ना यार, या किसी और से एल्युमिनियम बिल्कुल खरीदेंगे। तो आप उसी से पढ़ा दें पूरे खरीदेंगे। पाकिस्तान को कि जी एल्युमिनियम की हर चीज को घोल के रख दें आप, कि जी एल्युमिनियम ऐसे होता है, एल्युमिनियम बनता है ऐसे, खिड़की खरीदनी हो तो ये ख्याल करें, ये ख्याल करें। हम सारे मिलके अगर अपनी इल्म को बांट देंगे तो हमारा इल्म बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा, और हमारा रिस्क भी बिल्कुल बढ़ इसी तरह, जाएगा, कम नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह। बड़ी जबरदस्त रेहान भाई, आपने अपना एक्सपीरियंस और गहराई की वाली बातें की हैं। चले, रैली बहुत आज बहुत एक शुक्रिया। टर्निंग पॉइंट मिला है, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सेहत वाली जिंदगी दे, आसानियां दे। और तो वंस देखिए, अगेन सर आपका तो, अल्लामा जी। इकबाल को सिर्फ पाकिस्तान ने क्यों जानता है, बाकी लोगों क्यों नहीं जानते? लिन से पूछें अल्लामा इकबाल कौन है, वो कहेगी नहीं मालूम। कार्ला से पूछें, कहेगी मुझे नहीं मालूम। तो अकबाल को अंग्रेजी में पढ़ाएं, अंग्रेज को भी सिखा दें, जब हम अंग्रेजी सीख सकते हैं तो वो क्यों नहीं सीख सकती? अगर उसमें कोई अच्छी चीज थी तो सबके लिए थी ना। जी, ठीक है, तो आप अगर बिल्कुल आपको जी, वाकई मोहब्बत, जिस चीज से मोहब्बत हो, आपको जिस चीज से नफरत या मोहब्बत हो, आप उसकी जान खा जाए, उसको उसको घोल के पी दें और लोगों को सिखाएं उसके बारे में। जिसको जिस चीज से नफरत है, आजकल के जमाने में हमें जिस चीज से नफरत या जिस चीज से तकलीफ या जिस चीज से मोहब्बत हो, हम उसके पैगंबर बन जाएं, उसको पैगाम को बांटने वाले बन जाएं, हम उस चीज के अपना नाम बदल के वो उसका नाम रख दें, हम उस चीज को इतना सिखाएं, इतना सिखाएं, इतना सीखें, इतना सिखाएं, इतना सीखें, इतना सिखाएं कि लोग हमें उस चीज से जानते हो कि ये काम करता है। इसी के पास जाओ, सबसे अच्छी दुकान इसी के पास है। आपको अगर हार्ट अटैक होगा तो आप दो नंबर टू डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आप कहेंगे सारे पैसे ले लो, मुझे बिल्कुल नंबर वन हार्ट के डॉक्टर के पास लेके जाओ। आपको अपना घर बनवाना होगा तो आप कहेंगे यार पैसे थोड़े ज्यादा लग जाएं, बेहतरीन आर्किटेक्ट से डिजाइन करवाओ। आपको अगर अपना बिल्डिंग बनवानी होगी तो आप कहेंगे यार बेहतरीन कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास जाओ, थोड़े 20% ज्यादा लगे कोई बात नहीं, बेहतरीन बने, बेहतरीन से बेहतरीन बने। और जब आप बेहतरीन बनेंगे तब आपको लोग पहचानेंगे और आपके मुल्क का नाम खुद ब खुद रोशन हो जाएगा। ये वो जमाना अब नहीं है कि हमारे काम नजर नहीं आते, हमारे काम दिखा के करें सबको नजर आते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत जबरदस्त। इंशाल्लाह इसी तरह होगा, आज के बड़े यानी टर्निंग पॉइंट्स हैं, और इंशाल्लाह बेहतर से बेहतरीन की तलाश में है। चलिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना इसी तरह मुस्कुराते रहिए, और जो आपका जुनून है उसको उतरने ना दीजिएगा। बस, अस्सलाम इंशाल्लाह वालेकुम। सर। और सर मैं आपको ना अलामा साहब के शहर में इनवाइट करूंगा कि आप आए, और इंशाल्लाह मेजबानी का शर्फ मुझे दे, ये मेरे लिए खुशी की बात होगी कि देखिए, उनकी जो जाए पैदाइश है। मुझे सियालकोट मेरी फेवरेट सिटीज में से एक है, लेकिन अफसोस के जी ये है जी कि सियालकोट में कुछ भी नहीं है कि जिसके लिए मैं जाऊं, ना मेरे से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ना वहाँ कोई खाने पीने की चीज है जो मैं अपने नहीं इश्क सर, में एक जाऊंगा। मोहब्बत करने वाला आपका इधर नहीं, हो एक गया ना एक एक से ज्यादा तो मोहब्बत करने वाले चाहिए होते हैं, एक तो सिर्फ बीवी होती नहीं है, हो जाएंगे सर, वो मोहब्बत भी करने हो वाले जाएंगे ज्यादा ना हर चाहिए। के सर। इंशाल्लाह ये बारिश का पहला कतरा ही समझिए। देखें, आप
چمکیں, آپ اچھا چمکائیں, آپ سیالکوٹ آنٹرپرنورس کا شہر ہے, سیالکوٹ کو اپنا کام بدلنا چاہیے. یہ میرے لیے سیالکوٹ کا پیغام ہے کہ سیالکوٹ آنٹرپرنورس کا شہر ہے, سیالکوٹ ایسے لوگوں کا شہر ہے جو دنیا بدلتے ہیں, سیالکوٹ ایگزامپلری شہر ہے جس نے اپنا پورٹ خود بنایا, جس نے اپنی روڈز خود بنائی, جو کہ اب اپنی ایئر لائن خود کھول رہا ہے. ایسا کوئی شہر پاکستان میں کیا دنیا میں بھی میں نہیں جانتا کہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہو. سیالکوٹ کو اپنا نام کے ساتھ لگانا چاہیے, دا سٹی آف آنٹرپرنورز. اس وقت دنیا میں آنٹرپرنور کا وقت سب سے زیادہ گوگل کیا جاتا ہے, سٹی کا نام بدل کے ان کو کرنا چاہیے سیالکوٹ, دا سٹی آف آنٹرپرنورز. ہر آنٹرپرنور کی مجھے شہر کے اندر تصویریں نظر آنی چاہیے. میں شہر کے اندر آؤں تو مجھے لگانا چاہیے یہ ساگا فیکٹری ہے, یہ اس نے بنائی تھی, یہ فلانا فیکٹری ہے, یہ اس نے بنائی تھی. آپ یہ ہیروز ہیں ہمارے, سیالکوٹ ہیروؤں کا شہر ہے. صرف ہیرو یہ نہیں ہوتا جس نے فٹ بال کے گول میں لگا دیا, جس نے وہ فٹ بال بنائی ہے وہ کون ہے ہمیں تو نہیں معلوم. اس ہیرو کو ہائی لائٹ کریں. اگر آپ میں سے کوئی سیالکوٹ والا ہے اور واقعی سیالکوٹ سے محبت کرتا ہے تو سیالکوٹ کے ہیروز کی ویڈیوز بنا بنا کے مجھے دکھائیں, دو دو منٹ کی ان کی ویڈیو بنائیں, آدھے آدھے گھنٹے کے انٹرویوز لگائیں, پتہ چلے یہ ہیرو ایسے ہوتے ہیں. ان کو ہیرو جب تک آپ نہیں بنائیں گے آپ کے آنے والا ٹائم بہت مشکل ٹائم ہے. یہ اتنے بڑے بڑے لوگ سیالکوٹ میں رہتے ہیں لیکن ان کے بارے میں میں نہیں جانتا. مجھے یہ نہیں معلوم کہ آج کے سیالکوٹ کا پریزیڈنٹ چیمبر کا کون ہے, مجھے نہیں معلوم کہ سیالکوٹ کا میئر کون ہے, مجھے نہیں معلوم کہ سیالکوٹ کا ڈرائی پورٹ کے پیچھے کون آدمی تھا. مجھے کیوں نہیں معلوم ہے, یہ میرے ہیرو ہیں, یہ میرے ملک کو بنانے والے ہیں. سیالکوٹ میں میں آتا ہوں تو گلیاں گندی ہو رہی ہوتی ہیں, میلی کچیلی ہو رہی ہوتی ہیں, بلڈنگیں زبردست ہو رہی ہوتی ہیں. یہ ایسا کیوں ہے؟ اتنا رسک ہو جہاں پر, اتنی محنت ہو جہاں پر ایسی ایسی چیزیں بنتی ہوں, وہاں پہ آپ کو اس پہ کام کرنا چاہیے کہ سیالکوٹ کے اندر کوئی آدمی 3 لاکھ روپے مہینے سے کم نہ کماتا ہو. جب یہ 3 لاکھ روپے مہینہ کمائے گا تبھی آٹومیٹکلی اتنا خرچ کرے گا کہ گلی بھی ٹھیک ہوگی, ٹیکس بھی دے گا, چیزیں بھی اچھا شروع ہوں گی. تو سیالکوٹ یہ کام کر سکتا ہے. اور کوئی شہر کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ باقی شہر بہت بڑے, لیکن سیالکوٹ ڈیفینیٹلی یہ کام کر سکتا ہے کہ سیالکوٹ کے اندر امیزنگ آنٹرپرنورز رہتے ہیں. سیالکوٹ کے اندر میرے بہت سارے محبت کرنے والے رہتے ہیں. مجھے بہت ریحان بھائی معذرت کے ساتھ, موبائل کسی بھی وقت آف ہو جائے گا, بیٹری بالکل ختم ہے ہونے والی ہے, نوٹس آ گیا. تو میں لاسٹ میں ایک بات کروں گا, جو آپ کا ویژن ہے نا, میں یہی چاہتا ہوں یہ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس میں آ کے آپ دیں اور لوگ آپ کی یہ بات سنیں گے, کیونکہ آپ کو دنیا جانتی ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ علامہ اقبال کی طرح میرا بھی انتقال ہو گیا ہے, اب آپ میرا پیغام لے جا کے خود ہی وہاں پہنچا دیجیے. نہیں سر, اللہ آپ کی زندگی کرے, مگر ایک دفعہ آپ آئیں, ممکن ہے کہ آپ ہی سوچیں. پھر آپ وہی والا کام کر رہے ہیں جو سب کر رہے ہیں, کہ آپ ہی کریں نا یار, ہم تو نہیں ہو سکتے, ہم تو اتنے اچھے نہیں ہیں. تو آپ کی خود ہی جو ہے سر, آپ ایک دفعہ ٹرائی کر کے جائیں گے نا, نہیں گڑبڑ نہیں ہوگی. آپ سینئر ہیں نا, اپنی آپ کی جو آواز ہے. کوئی سینئر کوئی جونیئر نہیں ہوتا, یہی خود ہی ہے, یہی خود ہی ہے کہ خود کے اندر اعتماد پیدا کر, اپنے اندر اعتماد پیدا کیجئے. ریحان کو چولہے میں ڈالیے, آپ جائیے, آپ جا کے ریحان کی بھی باپ بن جائیے. سو نائس آف یو سر, ونس اگین تھینک یو, اینڈ بہت اچھا لگا سر, کیونکہ میں اس لیے بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ممکن ہے کہ موبائل آف ہو جائے. جزاک اللہ سر, بڑی خوشی ہوئی ہے آپ سے بات چیت کر کے. انشاءاللہ یہ سیشن چلتے رہیں گے, اور میں انشاءاللہ اس چیز پہ عمل پیرا ہوں گا, عمل پیرا ہوں, عمل پیرا ہوں انشاءاللہ. خالی خوشی کا میں نے کوئی کچار نہیں ڈالا, آپ کو عمل کروانا. ضرور سر, ضرور. خوش رہیے انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.